हेलो दोस्तों शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस आई फार्मास सी आर पी एफ़ मॉडल पेपर टू पार्ट वन जिसमें कि एम सी क्यू वन टू ट्वेंटी फाइव होंगे चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट वन एम सी क्यू क्वेश्चन नंबर वन चूज़ द एंटी कैंसर ड्रग ए पायरीमिडीन एंटागोनिस्ट ऑप्शन ए फोरोूरसिल ऑप्शन बी मरकैप्टो प्यूरीन ऑप्शन सी था एंड ऑप्शन डी मिथोट्रैक्सेट द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी फ्लोरोिल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग यूज फॉर इन्फ्लुएंजा ए प्रिवेंशन ऑप्शन ए एसाइक्लोबिर ऑप्शन बी रिमांटाडाइन ऑप्शन सी सेक्वेनाबिर एंड ऑप्शन डी फॉस्कारनेट द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी रिमांटाडाइन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज enzyme drug used for acute leukemia treatment option a dihydrofolate reductase option b asparaginase option c aromatase and option d dna gyrase the right answer is option a any yani dihydrofolate reductase the next question is द ड्रग इनिबिटिंग वायरल डी एन ए सिंथेसिस ऑप्शन ए इंटरफिरोन ऑप्शन बी सैक्नाबिर ऑप्शन सी एमांटाडाइन एंड ऑप्शन डी एसाइक्लोबीर द रइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी एसाइक्लोवीर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ड्रग यूज फॉर एमो एव एसिस ट्रीटमेंट ऑप्शन ए नाइट्रोफ्यूरटोइन ऑप्शन बी पायराजीनामाइट ऑप्शन सी लोडोक्यूनोलॉल एंड ऑप्शन डी मेलोक्यून द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी लोडोक्यूनोल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफलिस ट्रीटमेंट इज ऑप्शन ए जेंटामाइसिन ऑप्शन बी पेनिसीन ऑप्शन सी क्लोराम एंड ऑप्शन डी डॉक्सीसाइक्लीन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी पेनिसिलिन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकेनिज्म ऑफ स्टेप्टोमाइसिन एक्शन इज थ्रो इनविशन ऑफ ऑप्शन ए सैलवाल सिंथेसिस ऑप्शन बी प्रोटीन सिंथेसिस ऑप्शन सी आरएनए एंड डीएनए सिंथेसिस And option D. Cell Membrane The right answer is option B. Any protein Synthesis The next question is Which of the drug is used for candidiasis Treatment? Option A. griseofulvin. Option B. Nitrofurantoin Option C. Myconazole And option D. Steptomycin द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी माइकोनाजोल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीबायोटिक इनहिबिटिंग बैक्टीरियल आर एन ए सिंथेसिस इज ऑप्शन ए एरिथ्रोमाइसिन ऑप्शन बी रिफाम्पिसिन ऑप्शन सी क्लोराम्फेनिकॉल एंड ऑप्शन डी एजिथ्रोमाइसिन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी रिफाम्पिसिन The next question is Pellagra is due to the deficiency of option A, vitamin B12, option B, vitamin C, option C, thymine, and option D, niacin. The right answer is option D, yani niacin. The next question is A decrease in WBC count indicates option A, एनीमिया ऑप्शन बी मैरो डिप्रेशन ऑप्शन सी आयरन डिफिशियंसी एंड ऑप्शन डी वायरल इन्फेक्शन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी मैरो डिप्रेशन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन द अबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑप्शन ए वाटर ऑप्शन बी पायरोट ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी लैक्टेट द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी लैक्टेट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी एज ऑप्शन ए ग्लाइकोलिपिड ऑप्शन बी लिपोप्रोटीन ऑप्शन सी फॉस्फोलिपिड एंड ऑप्शन डी अमीनो एसिड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी लिपोप्रोटीन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैन प्रोटीन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज ऑप्शन ए मायोसिन ऑप्शन बी कोलाजिन ऑप्शन सी कैराटिन एंड ऑप्शन डी मेलानिन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी मायोसिन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल यूरिन इज ऑप्शन ए न्यूट्रल ऑप्शन बी हाईली एसिडिक एंड ऑप्शन सी स्लाइटली एल्कालाइन एंड ऑप्शन डी स्लाइटली एसिडिक द राइट आंसर इज स्लाइटली एसिडिक यानी ऑप्शन डी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एमैन स्पर्म में कंटेन ऑप्शन ए एक्स बाई क्रोमोसोम ऑप्शन बी एक्स एक्स क्रोमोसोम एंड ऑप्शन सी वाई वाई क्रोमोसोम एंड ऑप्शन डी एक्स क्रोमोसोम द रइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी एक्स वाई क्रोमोसोम द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्यूनाइजेशन गिविन एट ट्वेल्व मंथ इज ऑप्शन ए बी सी जी ऑप्शन बी एम एम आर ऑप्शन सी ओ पी बी And option D DPT. The right answer is option B any yani MMR. The next question is The National File Area Control Program was launched in option A 1948, option B 1950, option C 1955, and option D 1960. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी 1955 द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिसाकोडिल इज ए ऑप्शन ए परगेटिव ऑप्शन बी इरिटेंट लैग्जिटिव ऑप्शन सी कार्मिनेटिव एंड ऑप्शन डी एनालिस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी इरिटेंट लैग्जिटिव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेप्स डिसीज इज़ ए सिम्टम्स ऑफ ऑप्शन ए डायबिटीज ऑप्शन बी सिफिलिस ऑप्शन सी हाइपोथर्मिया एंड ऑप्शन डी हाइपर थाइरोडिज्म द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी हाइपर थाइरोडिज्म द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट ऑप्शन ए साइप्रोहैप्टाडिन Option B ranitidine. Option C dompedone and option D adrenaline. The right answer is option A. Any cyproheptadine. The next question is the objective of PTC is option A advisory. Option B educational. ऑप्शन सी ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग एंड ऑप्शन डी आल ऑफ द एवब द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी आल ऑफ द एवब दोस्तों आपको पीटीसी की फुल फॉर्म कमेंट करके बतानी है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीडोट फॉर हैपर एज ऑप्शन ए प्रोटामाइन सल्फेट ऑप्शन बी प्रालिडॉक्सीम ऑप्शन सी फैंटोलेमाइन ऑप्शन डी एसीटाइल सिस्टीन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी प्रोटामाइन सल्फेट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ड्रग दैट प्रोड्यूस टेराटोजेनेसिस लाइक लिंब डिफेक्ट्स ऑप्शन ए टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी फिनाइटोइन ऑप्शन सी थैलीडोमाइड एंड ऑप्शन डी डैक्सामिथासोन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी थैलीडोमाइड द लास्ट क्वेश्चन इज ऐसे नोड ऑफ मेमेलियन हर्ट इज नॉन एज ऑप्शन ए ऑटो रेगुलेटर ऑप्शन बी पेसमेकर ऑप्शन सी टाइम कंट्रोलर एंड ऑप्शन डी बीट रेगुलेटर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी पेस मेकर दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग